लोग पूछते हैं कि कंसिस्टेंसी कैसे लाना, मतलब कंसिस्टेंट कैसे रहना, एक तरीका लगे कैसे रहना कोई काम में, क्योंकि बहुत लोगों का रहता है कि काम की शुरुआत तो करते हैं और बाद में वो काम छोड़ देते हैं। तो इसके बारे में मैं आज बात करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, ट्रांसफॉर्मेशनल कोच हूँ और बिजनेस कोच भी हूँ। बात ऐसी बनती है कि लोग पूछते हैं कि भाई कंसिस्टेंट कैसे रहेंगे। लोग आरंभशूर बहुत होते हैं। आरंभशूर का मतलब है कि आरंभ करने में, शुरुआत करने में बहुत शूरवीर, शुरुआत तो बड़े जोर शोर से करेंगे और बाद में छोड़ देंगे। हमारे एक मित्र है, उनका जिम है, तो मैंने उनको पूछा कि भाई जिम का आप क्या चार्ज लेते हैं। तो बोले 3000 रुपये महीना। मैंने बोला भाई ठीक है, 3000 महीना आप ले रहे हैं, मगर साल भर का कोई भरता है तो कितने लेते हैं? बोले 20000 रुपये। मैंने बोला क्या 3000 रुपये महीना, मतलब 36000 होते हैं और साल भर के तो 20000 रुपये सिर्फ, ये कैसा कोई कौन सा हिसाब है? बोले 80% लोग साल भर के पैसे लेते हैं ऑफर देख के, 36000 और वैसे 20000 है, 80% लोग छोड़ देते हैं, तुमको वो पुराता है। कहने का मतलब ये है कि लोग आरंभ शुरू है, कंसिस्टेंसी नहीं है। तो कंसिस्टेंट रहने के लिए, क्यों कंसिस्टेंट आप रहेंगे, कंटिन्यूसली वो मेंटेन करेंगे, वही जोश, वही जुनून, वही उत्साह, वही वर्क, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। कितने सारे बिजनेसेस जो है, 10 में से 9 बिजनेसेस पहले 5 साल में बंद हो जाते, ऐसा क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंट नहीं है। कंसिस्टेंट रहेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। कंसिस्टेंट रहने के लिए मेनली 3 बातें जरूरी है। एक है कि आपकी ज्वलंत इच्छा शक्ति है क्या, बर्निंग डिजायर आपकी है क्या, और आपकी बर्निंग डिजायर है कि कोई भी हालत में, नो मैटर व्हाट, मुझे तो वो करना ही है इतना, तो फिर वो काम का है। बुलंद बुलंद इच्छा शक्ति या बर्निंग इच्छा शक्ति या बर्निंग ज्वलंत इच्छा शक्ति, बर्निंग डिजायर। मतलब देखो, मुझे बोला डॉक्टर ने कि आप दौड़ो रोज, तो मैं दौड़ूंगा और कभी दौड़ूंगा कभी दौड़ूंगा नहीं, वो भी आराम आराम से दौड़ूंगा। और वही अगर ऑक्सीजन कुत्ता पीछे लग गया है तो जो जोर से दौड़ूंगा और जो ताकत से दौड़ूंगा, क्यों? क्योंकि अभी कुत्ता काटेगा, अभी तो जिंदगी का सवाल है। तो बर्निंग डिजायर, ऐसा हम रोज काम करते क्या, नंबर एक। नंबर दो, आपका उसके ऊपर बिलीफ है क्या, विश्वास है क्या? क्योंकि आता है कि हमारा विश्वास ही नहीं है तो फिर आप कैसे जीतोगे, फिर आप कैसे कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे? इफ यू थिंक यू कैन नॉट बोथ वेज यू आर लाइट। वैसे ही इफ यू बिलीव यू कैन एंड इफ यू बिलीव यू कैन नॉट बोथ वेज यू आर राइट, यू विल नॉट बी एबल टू डू इट। तो बिलीव जो है, या और आप अपने आप से क्या बातचीत करते हो, नहीं यार मैं तो छोटा हूँ, मेरी बुद्धि कम है, मेरे से इतना जमता नहीं है, मुझे इंग्लिश नहीं आता है, मुझे कंप्यूटर नहीं आता है, मैं तो छोटे गांव में हूँ, मुझे लोग सपोर्ट नहीं करते, मैं तो गधा हूँ, मेरे को इतनी अक्ल नहीं है, मुझे ना मैं बहुत ही आलसी हूँ, ऐसा काफ़ी सारे, और मुझे इतना बड़ा सक्सेस तो मुझे मिल ही सकता नहीं है, मेरी पढ़ाई वैसी कम हो चुकी है, ऐसे काफ़ी सारे विचार और उसके ऊपर बिलीफ जो है वो आपको कंसिस्टेंट रहने देते नहीं, आप छोड़ देते हैं। और तीसरा जो है, आपको पेशेंस है क्या, कि भाई आराम से शांति से काम करते रहना और रिजल्ट आएगा। कोई भी काम करना है या बिजनेस करना है, बोलते भाई 1000 दिन आप करो, मतलब अप्रोक्सीमेटली 3 साल, और 3 साल यदि आप कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप पार कर डालेंगे उसको। 3 साल करना पड़ता है, और 3 साल तक आपको रिजल्ट नहीं मिलते, तभी करते रहो तो आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। तो पेशेंस है, पेशेंस जरूरी है। मगर आज हमारा क्या है, बहुत ही इम्पेशेंट लोग है, लोगों को तुरंत चाहिए, त्वरित ताबड़तोड़ चाहिए, इंस्टेंट टी चाहिए, इंस्टेंट कॉफी चाहिए, इंस्टेंट गुलाब जाम, इंस्टेंट नूडल्स, इंस्टेंट सक्सेस, सब इंस्टेंट चाहिए। इंस्टेंट इज नेवर कॉन्स्टेंट, इंस्टेंट कॉन्स्टेंट नहीं रहता है, मगर लोग तो इंस्टेंट के पीछे है। तो अपने को इंस्टेंट छोड़ देना पड़ेगा और आपको धीरज रखना पड़ेगा। तो ये मेन 3 प्रिंसिपल है। और इसके अलावा 2 बातें हैं कि जिसके ऊपर आदमी काम करता है। एक क्या है कि एक तो उसको डर है करके काम करता है, और दूसरा है उसको प्लेजर, खुशी मिलती है, आनंद मिलता है इसलिए काम करता है, रिवार्ड मिलता है इसलिए काम करता है। मतलब हमारे बिहेवियर में पेन और प्लेजर प्रिंसिपल काम करते हैं। जहाँ जहाँ हमको बहुत दर्द होगा या कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे होंगे, पेन होगा तो वो काम हम करेंगे, या फिर प्लेजर है तो काम करेंगे। दर्द है या डर है,
मतलब लोग इसलिए टाइम पे आते हैं क्योंकि टाइम पे नहीं गए तो हमारी तनख्वाह काट दी जाएगी या तीन बार अब्सेंट रहेंगे तो अपना आधे दिन का सैलरी कटेंगे, ये डर है करके लोग टाइम पे जाते हैं। तो ये बहुत सारी बात है कि लोग क्यों करते हैं, क्योंकि डर है वहाँ और डर से लोग काम करते हैं। डायबिटीज हो गया तो फिर बाद में शुगर बंद करेंगे, वैसा बोले शुगर बंद करेंगे तो नहीं करेंगे। डर या दर्द कुछ भी हो जाए उसके लिए लोग काम करते हैं, फटके जहां जहां बैठते हैं ना वहां वहां लोग काम करते हैं। वैसा लोगों को बोलो टाइम पे आ जाओ, लोग टाइम पे नहीं जाएंगे, मगर आपको फ्लाइट पकड़ना है ना तो आप बराबर टाइम पे जाएंगे, मालूम है आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा है, दर्द बहुत ज्यादा होने वाला है, और वैसा टाइम पे आओगे तो नहीं आएंगे। ट्रेन आपकी कितनी बार छूट गई, बहुत कम बार, क्योंकि वहां भी ट्रेन छूट गई तो बहुत कॉन्सिक्वेंसेज जबरदस्त है। तो पेन प्लेजर प्रिंसिपल है, उसके ऊपर भी आदमी काम करता है। तब ये बैकग्राउंड होने के बाद में भी मैं बता रहा हूं 8 स्टेप्स की जो आपको कंसिस्टेंट बनाएंगे और आप फिर सक्सेस पा सकते हैं। नंबर 1, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि आपको आपके शब्द का सम्मान करना पड़ेगा, ऑनर योर वर्ड, अपने शब्द का पालन करो और जो समय पे दिया वो समय पे अपने शब्द का पालन करो। सो ऑनर योर वर्ड, जो जबान दिया है और जो समय पे जो शब्द जबान दिया है वो समय पे वो शब्द या जबान का पालन करना है, बस, नो मैटर व्हाट। इमोशंस कितने भी आएंगे, इमोशन को भाव देने का नहीं है, इमोशंस बोलेंगे अभी जान दे बेटा, सुबह हो गई उठ मत, अभी कल रात को बहुत लेट सोया था, वैसे भी तकलीफ का ही कार्यक्रम है, जान दो ना अभी आज के दिन सो जाएंगे, ऐसा बहुत सारे विचार अंदर आ जाएंगे। इमोशंस बोलेंगे जान दो आज के दिन सो जाए, मगर आपने वर्ड दिया है आपको कि मैं सुबह उठ के एक्सरसाइज करूँगा तो आपने आपके शब्द का पालन करना है। तो पहला जो टिप है वो है कि आपको इंटीग्रिटी में रहना है, आपने अपने शब्द का पालन करना है, अपने जबान का पालन करना है और समय पे पालन करना है। नंबर 2, आपके गोल्स होना जरूरी है कि भाई स्पेसिफिक क्लियर गोल्स आपके होना चाहिए। जब स्पेसिफिक और क्लियर गोल्स है तो आप बराबर वो अचीव कर पाएंगे। आपके पास में गोल ही नहीं है तो फिर क्या करेंगे आप। तो स्पेसिफिक और क्लियर गोल्स होना जरूरी है। ऐसा बोला जाता है कि आपके गोल स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट गोल मतलब क्या है, एस मतलब स्पेसिफिक, एम मतलब मेजरेबल, ए मतलब अचीवेबल, अचीव होने लायक होना चाहिए ना। आप उल्टे पुल्टे कुछ भी आंकड़े बोलेंगे और वो अचीव नहीं होंगे तो आप डाउन हो जाएंगे। तो ए मतलब अचीवेबल, आर मतलब रियलिस्टिक, वास्तव में पॉसिबल है क्या, और टी मतलब टाइम बाउंड, कितने समय पे आप करने वाले हो। एक साथ एक ही गोल ले लो, समझो आपने लिया कि भाई मेरे को 20 किलो वजन कम करना है, ठीक है गुड, मगर ऐसा मत लो, अच्छा रियलिस्टिक है कि हाँ रियलिस्टिक 20 किलो कम हो सकता है आपका, 80 और आपको 20 करना है, हो सकता है, या 90 आपको 20 करना है, रियलिस्टिक है। अचीवेबल है क्या, अचीवेबल का मतलब होता है यहाँ कि भाई मैं एक महीने में 20 किलो वजन कम करूंगा, ये अचीवेबल नहीं है, इसमें बीमार पड़ जाएंगे ऐसा बोलूंगा तो ऐसा मत करो। अचीवेबल भी देखो है क्या, तो रियलिस्टिक भी है क्या, पॉसिबल भी है क्या, वो समय पर टाइम कितना लोगे, और एक समय एक ही गोल लो। एक बार एक गोल आप पूरा करेंगे ना तो बाद में फिर क्या होगा, बाद में बात के गोल फटाफट फटाफट पूरे होते जाएंगे, क्योंकि आपको सफलता मिलेगी, आपको अच्छा लगेगा, फिर और दूसरा गोल, फिर और तीसरा गोल, फिर एक साथ में 2-4 गोल ले लो आप आगे बढ़ेंगे। तो गोल्स नंबर 2। तीसरा पॉइंट, आपको क्या करना है कि आपके जो गोल्स है वो गोल्स को 90-90 दिन में डिवाइड करना है। मतलब आपने ऐसा रखा कि भाई हमको एक साल में 20 किलो वजन कम करना है, ठीक है, तो फिर 3 महीने में कितना करना है, 5 किलो, फिर 3 महीने में 5 किलो वजन कम करना है, ऐसा अपना टारगेट रखना है, राइट। अच्छा फिर 3 महीने में 5 किलो कम करना है तो 1 हफ्ते में कितना करना है, तो 3 महीने में करीब करीब 12-13 हफ्ते हो जाते हैं, 13 हफ्ते 90 दिन में होते हैं, तो फिर 1 हफ्ते में कितना होता है, 1 हफ्ते में अप्रोक्सीमेटली 500 ग्राम या आधा किलो या 400 ग्राम जितना भी होगा उतना आपको वो कैलकुलेट करके करने का है। तो ये 90 दिन का और 1 हफ्ते का ऐसा डिवाइड करो उसको। तीसरा जो पॉइंट मैंने बताया कि 90 दिन में डिवाइड करना। चौथा पॉइंट जो है वो है कैलेंडर में आप उसका टाइम पक्का कि भाई वो जो काम करना है वो मैं कब करूंगा, कैलेंडर में वो कैलेंडर में डालना है। बिजनेस कैलेंडर डाउनलोड करो या गूगल कैलेंडर उसमें डालो, उसकी घंटी बजनी चाहिए, आपको याद दिलाना चाहिए उसमें कि भाई मैं 7 से 8 रोज एक्सरसाइज करूंगा, डाल दो कैलेंडर में। तो कैलेंडर में टाइम स्लॉट पक्का करना है और वो टाइम पे करना ही है। नंबर 5, फीडबैक लेना है।
फीडबैक के लिए सिस्टम तैयार करो कि भाई मैं जो कर रहा हूँ वो बराबर ट्रैक पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो हर हफ्ते में आप फीडबैक ले रहे हैं, हर हफ्ते में आप चेक कर रहे हैं अपना वजन कितना कम हो गया, तो जो भी करना है वो कि भाई हम चेक करके देख रहे हैं कि फीडबैक लेना बहुत ही जरूरी है। तो पांचवा पॉइंट है टेक द फीडबैक। छठवा है कि अकाउंटेबिलिटी पार्टनर होना जरूरी है या कोच होना जरूरी है। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर मतलब क्या होता है कि जो आपकी कॉलर पकड़ेगा, जो आपकी गर्दन पकड़ेगा, अरे क्यों रे भाई तू गया नहीं एक्सरसाइज करने के लिए आज, ये अब तुम्हें तू गया नहीं, तूने बोला था मैं मीठा नहीं खाऊंगा तो खुना तूने मीठा खाया, तूने बोला मैं कंट्रोल करूंगा तूने ये, मतलब आपको वो होल्ड अकाउंट करेगा, पकड़ेगा, मारेगा, ठोकेगा, पीटेगा, जो भी करना हो करेगा आपके भले के लिए, और आपने उसको वो परमिशन दी है कि आप मेरे को ट्रेन करो। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ज़्यादातर वो लो कि जो जो व्यक्ति ने आपको जो चाहिए उसमें पहले विजय हासिल किया हुआ है, ताकि उसको एक्सपीरियंस है और वो आपका अच्छा कोच बन सकता है। इसलिए लोग सुबह एक टीम बना के जाते हैं घूमने के लिए ताकि एक दूसरे को उठाते और चले जाते हैं, या फिर लोग पेमेंट देके कोच कोचिंग लेते हैं। जैसा मैं बिजनेस कोचिंग करता हूँ, लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन की कोचिंग करता हूँ, हिप्नोटिज्म के लिए कोचिंग करता हूँ, तो लोग पेमेंट करते हैं ताकि फिर हमारा टाइम पक्का होता है, वो टाइम पे लोग कॉल करते हैं और कोचिंग लेते हैं, काउंसलिंग के लिए लोग लेते हैं कोचिंग, है ना। तो ये कोच छठवां पॉइंट है, कोच या अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। सातवां है कि ज़्यादा इसके बारे में धूमधाम मत करो और चिल्ला चिखी मत करो। इसका मतलब ये हो गया कि आप यदि लोगों को बोलते हैं कि मैं ये कर्म करने वाला हूँ, मैं वजन कम करने वाला हूँ सब, तो जो लोगों को आप बोल रहे हैं तो हो सकता है कि लोग एक तरह के लोग हैं कि आपकी बहुत तारीफ करेंगे, अरे यार तू तो कर सकता है, तो पावरफुल है, ऐसा है वैसा, तो आपको चिकना चुपड़ी करेंगे, बटरिंग करेंगे, आपको लगेगा वहाँ मैं कितना बड़ा आदमी हूँ वो घातक है। दूसरा है कि आपके पैर खींचेंगे, ये बोल रहा है 20 किलो वजन कम करना, इसे पैर खींचो, इसको खिलाओ पिलाओ, शराब पिलाओ, उसको आगे मत बढ़ने दो, तो ये दोनों भी लोग खतरनाक है और आपको मालूम नहीं आपके वेल विशर एक्चुअली कौन है, इसलिए ज़्यादा चिल्लाचिल्ली करो ही मत, चुपचाप रहो। और फिर आठवां पॉइंट है कि फिर जब सक्सेस मिलता है उस दिन सेलिब्रेट करो। आदमी को सेलिब्रेशन करने में बहुत मजा आता है, सेलिब्रेट करो, अपने आप को रिवार्ड दो, सेलिब्रेट करो, तब लोगों को अनाउंस करो कि मैंने ये हासिल किया है। वैसा आप रिवार्ड हर हफ्ते भी दे सकते हैं कि मेरा एक हफ्ते का टारगेट इतना है तो मैंने इतना इतना रिवार्ड मुझे देना है, मुझे फिल्म देखना अच्छा लगता है, मैंने ये हफ्ते में आधा किलो वजन कम कर दिया, ठीक है अभी मैं फिल्म देखूंगा या मूवी देखूंगा, जो भी है, तो उससे क्या होता है अपना अच्छा लगता है, अपना ब्रेन जो है ना उसको रिवार्ड चाहिए बार बार बार। तो ऐसे आठ पॉइंट्स हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नंबर एक है इंटीग्रिटी, नंबर दो है स्मार्ट गोल्स, नंबर तीन है 90 डेज फॉर्मूला, नंबर चार है कैलेंडर में टाइम स्लॉट फिक्स करना, नंबर पाँच है फीडबैक लेना, नंबर छः कोच या अकाउंटेबिलिटी पार्टनर तैयार करो, नंबर सात है चुप रहो, चिल्लाना नहीं, काम होने के बाद में बोलना है लोगों को, और नंबर आठ है कि सेलिब्रेशन करो। तो ये आप करेंगे तो डेफिनेटली आप कंसिस्टेंट रह सकेंगे और आपको सफलता मिलेगी। वीडियो आपको अच्छा लगा सभी लोगों को शेयर करो, लोग कंसिस्टेंट ही नहीं छोड़ देते हैं, आरंभ शुरू है, डेफिनेटली लोगों को सक्सेस मिलेगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।